हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ खट्टे ढोकड़े की रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ढोकड़ा बनाने के लिए, ये मैंने ओवरनाइट भिगा के रख दिया था। तो ये मैंने एक कटोरी चावल लिया था, जो नॉर्मल चावल आते हैं वो, और ये छोटी वाली जो कटोरी है इसमें मैंने तुअर की दाल ले ली थी, चने की दाल ले ली थी, और मूँग की दाल और अरहर की दाल। तो ये मैंने एक एक कटोरी भर के इसमें डाल दी थी, और ओवरनाइट जो है इसको मैंने भिगा के रख दिया था। आप 5 घंटे 6 घंटे भी भिगा के रख सकते हो, पर मुझे सुबह बनाना था इसलिए मैंने इसको ओवरनाइट भिगा के रख दिया। तब इसको हम मिक्सर में पीस लेंगे। तो एक मिक्सर जार ले लिया है मैंने, और इसमें हम डालेंगे हमारे जो भिगे हुए चावल और जो तूर की दाल। और एक बात, इसमें मैंने मेथी दाना थोड़ा सा डाला है मैंने। तो फ्रेंड्स, मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है। तो अभी हम डाल देंगे थोड़ी सी दही। यहाँ पीसने के लिए हमको 2 से 3 चम्मच दही चाहिए, और डाल देंगे थोड़ा सा पानी, भी इसे हम पीस लेंगे। तो फ्रेंड, हमने जो मिक्सर में अच्छे से पीस लिया है, तो यह हमें इसको बारीक फ्राई ये नहीं करना है, पीसना नहीं, एकदम बारीक, थोड़ा दरदरा जैसा ही रखना है। बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने ये अदरक लहसुन और आदू का पेस्ट बनाया था, ये भी इसमें हम डाल देंगे। थोड़ा सा ले लेंगे नमक, ले लेंगे 1 चुटकी हल्दी। अभी इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ थोड़ा सा गरम तेल ले लिया है 1 चम्मच जितना, तो इसको भी हम अच्छे से इसमें डाल देंगे। अच्छे से फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। अभी हम डाल देंगे इसमें इनो। जब भी आपको ढोकला बनाना हो, तो अगर आप पूरा बैटर थाली में या प्लेट में नहीं डाल सकते, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप करके डाल के फिर आप इसमें इनो डाल सकते हो। पूरा एक साथ में इनो डालोगे और स्टेप बाय स्टेप करोगे तो वो जो हमारा है बिगड़ सकता है। तो ये मुझे है जो पूरा ही बनाना है, तो इसलिए मैं इसमें इनो डाल दूँगी। अभी हम इनो डालने के बाद नींबू, अभी हमें एक ही डायरेक्शन में इसको घुमाना है, जिससे कि हमारा इनो एक्टिवेट हो जाए। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अभी हम फटाफट जाते हैं गैस की ओर। हमने इनो डाला है तो हम ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते यहाँ। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक प्लेट रख दी है, और आपके पास अगर इडली का स्टैंड या फिर ढोकड़े का स्टैंड हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास नहीं है। तो मैंने एक यहाँ थाली रख दी है, और नीचे गर्म पानी करने के लिए रख दिया है। तो हमारी जो थाली है वो भी गर्म हो चुकी है। तो अभी हम डाल देंगे हमारा ढोकले का बैटर। डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, अभी हम इसको एक प्लेट से इसको कवर कर लेंगे, और अब 10 से 12 मिनट के बाद मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी कि हमारे ढोकले जो है कितने अच्छे से फूल के रेडी हो चुके हैं। हम इसको अभी टच नहीं करेंगे, और गैस की फ्लेम जो है वो फांसी है। तो फ्रेंड, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो थोड़ी देर के बाद मैंने जो है गैस को जो है स्लो कर दिया था, तो भी चेक कर लेते हैं। तो एक बार चक्कू से हिसाब से, अगर चक्कू हमारा जो क्लीन निकले तो हमारा जो ढोकला है वो अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हो। हम निकाल लेंगे। तो हमने इसको निकाल लिया है। अब तो हम लगाएंगे थोड़ा सा तेल इसके ऊपर, हमारे ढोकले हो ड्राई नहीं लगे। अब इसको हम करेंगे कट। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने जो है कट कर लिया है, तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से हमारा जो है वो ढोकला बन चुका है।
और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट इसको अब हम करेंगे लहसुन की चटनी के साथ सर्व। तो फ्रेंड्स ये जो ढोकड़े की टेक्निक है निकालने की, तो अगर आप इस चक्कू से हिसाब से अगर नीचे से अच्छे से इसको निकालेंगे तो ये बहुत अच्छे से निकलेंगे और ये चिपके भी नहीं। ये थोड़ी मेरे निकालने की गलती से ये जो है चिपक चुके हैं, क्योंकि मैंने चक्कू को अच्छे से प्रेस नहीं किया था, ये देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने जो है लहसुन की चटनी बना ली है, ये हो गई लहसुन की चटनी। और तो कोई भी चटनी जो नॉर्मल है हरी चटनी उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हो, पर इसमें जो ढोकले में खट्टे ढोकले में लहसुन की चटनी का ही इस्तेमाल होता है और खाने में भी बहुत टेस्ट आता है। तो ये जो हमारा खट्टे ढोकले बन के रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।